हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और धूमधाम से दिवाली मनाए होंगे। मैं इधर यूएसए में दिवाली कैसे सेलिब्रेट की, चलिए आपको थोड़ा दिखाती हूँ। पूजा कंप्लीट करने के बाद मैं दिए जला के पूरा घर जगमगा रही हूँ। वैसे मिट्टी के दिए तो यहाँ इजिली मिलते नहीं है, तो मैं कैंडल ही जला के सेलिब्रेट कर रही हूँ। कितना प्यारा लग रहा है ना। ज्यादा डेकोरेट तो नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पे वैसा कुछ खास मिलता नहीं है सजाने के लिए, बस जितना पॉसिबल था कर पाई। अब मैं जा रही हूँ घर से बाहर दिवाली सेलिब्रेट करने, चलिए देखते हैं कैसा रहता है। मैं पहुंच गई हूं मंदिर। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पूरा लाइट से जगमगा गया है। यहाँ देख के लग रहा है ना कि दिवाली है। यहाँ मंदिर में ही सारे इंडियंस कम्युनिटी के लोग दिवाली सेलिब्रेट करते मिलेंगे, और इसके अलावा कहीं कुछ दिखेगा भी नहीं और कोई शोर शराबा भी नहीं होगा। इधर जितना एक्सपेक्ट किए थे उससे ज्यादा ही रौनक है। मंदिर को कितने अच्छे से सजाया हुआ है और अंदर जाने की लाइन भी बहुत लंबी है। और दूसरी साइड जो नॉर्मली पार्किंग एरिया होता है, उधर सब मजे से पटाखे फोड़ रहे हैं। ये पटाखों की आवाज ही तो सुननी थी मुझे, क्योंकि इसके बिना तो अपनी दिवाली अधूरी है। सारे पत्ते झड़ गए फॉल सीजन की वजह से। ये लंबी लाइन आगे बढ़ भी रही है या नहीं समझ ही नहीं आ रहा। मैं सोची ये मंदिर में एंट्री के लिए लाइन होगा, बट पता करने के बाद पता चला कि ये तो पटाखे की लाइन है, मीन्स पटाखे खरीदने के लिए। उसके बाद समझ आया कि एंट्री के लिए कहीं और से ओपन किया गया है आज के लिए। तो फिर मैं चली गई मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर तो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों मना है। मैं वापस आई तो देखी कि पटाखे फोड़ फोड़ के धुआं धुआं कर दिए। वाओ कितना प्यारा लग रहा है। और आज इतने सारे भारतीयों को एक साथ देखकर लगा कि यूएसए में नहीं, मैं तो अपने ही देश में हूँ। आइए आपको नजदीक से दिखाती हूँ पटाखे के मेले। सब लोग कैसे पटाखे फोड़ रहे हैं, कितने मजे कर रहे हैं, कितने अच्छे से हम लोग यूएसए में रह के भी अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। बच्चे तो मजे कर ही रहे हैं, बड़े भी पीछे नहीं है। जैसे हम लोग अपने घर में कैंडल या दिए जला के पटाखे बस्ट करते हैं, इधर तो एक छोटे से ड्रम में आग लगा कर रखा था, इसी को लोग यूज कर रहे हैं पटाखे फोड़ने में, और दूसरे ड्रम में डिस्पोज भी कर रहे थे। पटाखे के बीच से मंदिर भी कितना प्यारा लग रहा है ना। इतने पटाखे यहाँ फोड़े जा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर देखने के बाद धुआं ही दिखाई दे रहा है। इधर पटाखे का सेप भी अलग अलग मिल रहा था, और बहुत बड़े बड़े पटाखे भी मिल रहे थे। निकलते हैं अब इस जगह से मंदिर के साइड। लाइन लंबी थी तो हमने सोचा कि थोड़ी देर बाद पटाखे लेंगे। वापस आए तो लाइन गायब थी, क्योंकि पता चला पटाखे ही खत्म हो चुके हैं। काफी देर एंजॉय करने के बाद हम निकल पड़े वापस अपने घर की तरफ। दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ, मुझे तो बहुत मजा आया, काफी मेमोरेबल दिन रहा आज का। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा दिवाली देखकर, कि लोग अपने देश में तो मनाते ही हैं, दूसरे देश में भी जाके मनाते हैं।
और बड़े धूमधाम से। पार्किंग एरिया में तो सब पटाखे फोड़ रहे थे और जो पार्किंग के लिए बचा जगह था वो भी फुल था, तो हम लोगों ने कार थोड़ी दूर पार्क किया था। फाइनली कार में बैठ गए और निकल पड़े। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।